हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे टू लर्न। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमें थ्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि तीन पॉइंट से ही ट्रायंगल बनता है। क्या दिया है? ए एक के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स थ्री वाई थ्री थे। इन तीनों पॉइंट्स को जब हमने जोड़ा तो क्या बन के आया? हमारे पास ट्राइंगल बन के आया। हमें क्या करना है? इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना है। वैसे अगर हम जाने तो ट्राइंगल क्या होता है? वन अपॉन टू बेस इन टू हाइट। ठीक है, इसका हम ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हमने क्या किया, बी पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दिया बी क्यू, ए पॉइंट से लंब रेखा डाल दी ए पी, और सी पॉइंट से लंब रेखा डाल दी सी आर। अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारे ट्रेपीजियम बन गए। ठीक है, ट्रेपीजियम जो होता है, ट्रेपीजियम क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। ट्रेपीजियम कैसा होता है? ये जो फिगर है ये ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड जो होती है समांतर है। ये दोनों एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, ये दोनों हो गई समांतर। ठीक है, और ये हो जाती है उसकी, जब हमने इस पॉइंट से लंब डाल दिया, ये हो जाती है उसकी हाइट। ये ए है मान ली लेंथ, और ये बी लेंथ है पूरी, और ये हो गई उसकी हाइट। और ये दोनों की लंबाई बराबर भी हो सकती है, दोनों की लंबाई अलग अलग भी हो सकती है। तो इस तरीके की जो फिगर बनेगी इसे हम ट्रेपीजियम कहते हैं। और इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, वन अपॉन टू जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पैरेलल साइड ए और बी, उन दोनों को जोड़ दिया, हाइट से उसकी मल्टीप्लाई कर दिया, वन अपॉन टू। तो ये क्या आ गया, इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया। अब हमें इस ट्रेपीजियम का यूज़ करके इसका एरिया निकालना है, और ये फिगर जो है हमें इसमें दिखाई देगी। पर ये तो कैसे, ऐसे रखी हुई है, इसके अंदर हमें ऐसे दिखाई देगी, मतलब इसमें पैरेलल लाइंस ऐसे जा रही हैं, हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है, लेकिन इसमें जो पैरेलल लाइंस है वो कैसे है, ऊर्ध्वाधर है। ठीक है, ये देखो बी क्यू और ए पी जो है वो पैरेलल है, ए पी और सी आर वो भी पैरेलल है, और सी आर बी क्यू भी क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक है, और उनके बीच की हाइट, अगर मैं ए बी क्यू पी ट्रेपीजियम लेती हूँ तो ये तो मेरा ट्रेपीजियम बन गया, और ये क्या हो गई इसकी हाइट, है ना। ज़रूरी नहीं ट्रेपीजियम आपको ये स्लैंट हाइट देकर ही बनाया जाए, ट्रेपीजियम ऐसे भी बना कर दे सकता है। ये भी क्या होगा, एक ट्रेपीजियम ही होगा। ये जो सीधी लाइन होगा ये उसकी हाइट हो जाएगी। वही काम, ये ऐसे बना रखा है, इसमें ऐसे बना रखा है, तो ये हमारी क्या हो गई, हाइट हो जाएगी। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये क्या बन गया, ए बी क्यू पी एक ट्रेपीजियम बन गया। इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो इसका एरिया क्या होगा, तो ए बी क्यू पी का एरिया क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू पैरेलल साइड, पैरेलल कौन सी है, बी क्यू प्लस ए पी, बी क्यू प्लस ए पी जो कि समांतर है ए पी, उन्हें ऐड कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हाइट, हाइट तो इन पैरेलल के बीच में लंबवत होनी चाहिए, तो लंब जो है तो यही तो होगा, यही इसकी हाइट होगी क्यू पी। ठीक है, ये एरिया तो मेरा इतना निकल गया। दूसरा एरिया ए पी आर सी, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए पी आर सी का एरिया कितना होगा, ए पी प्लस सी आर वन अपॉन टू ए पी प्लस सी आर, हाइट क्या होगी, हाइट तो यही होगी पी आर। ठीक है, अब हमने जो एरिया निकाला है वो ए बी क्यू आर सी, इस ए पूरे का एरिया निकला है, लेकिन हमें किसका निकालना है, ए बी सी का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे में से, पूरा तो हमने निकाला, दोनों पार्ट्स को ऐड करेंगे तो पूरा एरिया आएगा, बी क्यू आर सी का एरिया माइनस कर देंगे, और बी क्यू आर सी का एरिया क्या होगा, बी क्यू आर सी, बी क्यू पैरेलल है आर सी के, तो पैरेलल लाइंस को क्या कर देंगे, ऐड, क्योंकि ये भी क्या बन रहा है, ट्रेपीजियम ही बन रहा है, बी क्यू आर सी एक ट्रेपीजियम ही बन रहा है, और उनके बीच की जो लंबवत रेखा होगी वो तो ये हो जाएगी, लंबाई ये हो जाएगी, तो क्यू आर उसकी लंबाई हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, ए बी क्यू पी ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, अगर इस दोनों को ऐड करने के बाद बी क्यू आर सी घटा दिया जाए तो सिर्फ इस ट्रायंगल का एरिया बचेगा। मतलब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसको इसमें से माइनस करना होगा, तो ए बी सी का एरिया आ जाएगा। अब हमें बी क्यू ए पी इन सब की वैल्यूज नहीं पता है, ये हम कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स तो हमको पता है, उनसे हम निकाल सकते हैं एक्स टू। अब देखना है पहले बी क्यू निकालना है, बी क्यू, बी क्यू किसके पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, मतलब वैल्यू क्या होगी, वाई में होगी। ठीक है, तो बी क्यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी,
यहाँ पॉइंट से की दूरी कितनी है, y2 है, तो ये दूरी कितनी होगी y2। इसी तरीके से A पॉइंट से P पॉइंट तक की दूरी कितनी होगी, ये y1 होगी, और C पॉइंट से R तक की दूरी कितनी होगी, ये y3 होगी, है ना। उसके बाद क्या बोला है, AP भी निकाल दिया, QP हमें क्या पूछा है, QP पूछा है, QP देख रहे हैं, QP कैसा है, ये x एक्सिस पर है तो x में वैल्यू होगी, QP Q तक की दूरी x2, मतलब यहाँ तक तो हमें पता है इतनी तो x2 है, ठीक है, और P तक की दूरी कितनी जाएगी, ये x1 जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है ये x1 होगी, ठीक है, x2 छोटा है, x1 बड़ा है यहाँ पर, ठीक है, ये हो गई हमारी x1। तो QP कितना आएगी, x1 क्योंकि बड़ा है तो x1 माइनस x2 करेंगे, x1 माइनस x2, तो QP की वैल्यू कितनी आएगी, x1 माइनस x2। हमारा y1 है AP, y2 और QP x2 माइनस x1, ठीक है, x और QP हमारा x1 माइनस x2 है, ठीक है। नेक्स्ट APRC, अगर APRC निकालना है तो AP की वैल्यू तो चाहिए होगी, AP कितना है y1, CR कितना है, CR हमारा y3 है, PR कितना होगा, PR P तक की तो दूरी तो x1 है यहाँ, और R R की दूरी कितनी होगी x3, तो मतलब ये पूरी तो x3 होगी, है ना, अब ये पूरी x3 है, ये x1 है, मुझे तो सिर्फ इतनी चाहिए, तो x3 में से x1 घटा दो, यहाँ तक की हटा दो ये सारी, तो x3 बड़ा था, x3 में से x1 घटा दिया, तो ये कितना आएगा x3 माइनस x1। अब BQ की वैल्यू कितनी है, BQ की वैल्यू है y2, RC की वैल्यू y3 और QR की वैल्यू, QR कितना होगा, ठीक है, Q तक की दूरी कितनी है x2 और R तक की दूरी कितनी है x3, है ना। अब x3 में से अगर x2 माइनस कर दी जाए तो QR निकलेगी, तो x3 माइनस x2 ये कितना आएगा QR, तो QR की जगह कितना आएगा x3 माइनस x2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसके बाद हमें एरिया का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ क्योंकि सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग होगा और पेपर में ये सब कुछ नहीं आएगा, सिर्फ आपका बेस बनाने के लिए मैंने ये बताया है, ठीक है। सॉल्व करने पर हमारा जो फॉर्मूला आएगा, वन अपॉन टू एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस वाई टू प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा जो फॉर्मूला होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनेगा। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हम याद कैसे रखेंगे। इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका है, 1 अपॉन 2 तो हमने लिखना ही है, ठीक है, पहले x लेना है, x1 प्लस x2 लिखना है प्लस x3 लिखना है, ठीक है, इसके साइड में ब्रैकेट्स लगाने हैं और बंद कर देना है। x1 लिखा, x2 लिखा, x3 लिखा, ठीक है। उसके बाद y वाली वैल्यू लेनी है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो y2, 2 के बाद 3, तो y3 घटा दो, ठीक है, 2 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो y3 लिखा, 3 के बाद क्या आएगा, अब हमें ये देखना है, तो 3 के बाद हम इसे ऐसे ही लेके चलेंगे, हमें बार बार इसी में घूमना है, 1 2 3, फिर 3 के बाद फिर से वापस 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1, 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस 1 के बाद फिर से 2, चलना ऐसे ही 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद फिर 2, तो यही हमारा इसको याद रखने का तरीका है, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है और उसमें हमें थ्री पॉइंट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट थ्री कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तीन पॉइंट्स के, तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, तो हमने इनको क्या मान लिया, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हमने इसको मान लिया फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, एरिया, पहले एरिया का फॉर्मूला लिख देते हैं, वन अपॉन टू क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, x1 फिर x2 लिखना है फिर x3 लिखना है, ठीक है, फिर y वाली वैल्यू उठानी, 1 के बाद क्या आएगा 2 y2 माइनस y3 प्लस y3 माइनस y1 प्लस y1 माइनस y2,
अब एक्स वन की वैल्यू कितनी है? 5, वाई टू की वैल्यू 7, वाई थ्री की वैल्यू कितनी है? -4, -4, प्लस एक्स टू की वैल्यू कितनी है? 4, वाई थ्री की वैल्यू कितनी है? -4, माइनस वाई वन की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस एक्स थ्री की वैल्यू 7 है, वाई वन की वैल्यू है हमारी 2 और वाई टू की वैल्यू है हमारी 7। बस इसे हमें सॉल्व करना है, हमारा एरिया आ जाएगा 1/2, 7 माइनस माइनस प्लस हो गए तो कितने हो गए? 7 और 4 11, 11 पंजे 55, प्लस ये हो गया -6, 6 चौका 24 तो -24, ये कितना हुआ? 7 में से 2 गए -5, 7 में जो 35 तो कितना है? -35, ये कितना है? अब ये कितना आया? 1/2, 55, ये कितना है? 5 4 9, 3 2 5, माइनस 55 माइनस 59 कितना आएगा? माइनस का 4 अपॉन में 2 कितना आएगा? -2। एरिया कितना है आपका? -2, बट एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता, तो एरिया को के लिए हम इसमें माइनस कंसीडर नहीं करेंगे। एरिया हमारा इसका कितना आएगा? 2 आएगा। ये नहीं बोलेंगे कि -2 आ रहा तो एरिया होगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ग्राफ पे आप इन तीनों पॉइंट्स को बनाओगे तो जब हम ग्राफ पे ये तीनों पॉइंट्स बनेंगे कहीं ना कहीं जहाँ भी बनेंगे तो ये तीनों पॉइंट्स कुछ ना कुछ जगह तो घेरेंगे ही, कुछ ना कुछ तो एरिया बन के आएगा ही। तो इसलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एरिया बनेगा नहीं। एरिया तब नहीं बनेगा जब एरिया हमारा, एरिया की वैल्यू अगर 0 आती है तो एरिया नहीं बनेगा, मतलब तीनों पॉइंट्स एरिया नहीं बना रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है? -2, -2 का -2 है और एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम माइनस पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। एरिया हमारा कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है? कहा है 2 3 पॉइंट है, 4 K पॉइंट है, 6 -3 पॉइंट है और ये तीनों पॉइंट्स कोलीनियर है, सनरेख है। ये कैसे हैं? कोलीनियर या फिर सनरेख, मतलब एक ही रेखा में होंगे। अब अगर कोई तीन पॉइंट्स, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तीनों एक लाइन में है, तो इसका मतलब क्या है? तीनों से कुछ एरिया बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी एरिया हमारा क्या होगा? 0 होगा। तो यही कंसेप्ट इसमें यहाँ पे लगेगा। एरिया हम कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम फॉर्मूला भी नहीं लिखेंगे, कैसे करेंगे? 1/2, एरिया क्या है? 0 के बराबर। 1/2 पहले क्या करते हैं? x1, फिर x2, फिर x3। x1, x2, x3 क्या होंगे? पहले पहले 2, 4 और 6, 2, 4, 6। ठीक है, फिर क्या करते थे? पहले वाले नंबर को छोड़ देंगे क्योंकि हमें यहाँ पे y2 लेना होता था। x1 है तो y2 आएगा, y2 यानी k, और फिर ये इससे अगला, तो k माइनस -3। ठीक है, यहाँ पे प्लस है। फिर ये कौन सा था? x2, x2 हमने लेना, तो हमें कौन सा लेना है? y3 लेंगे। y3 में क्या होगा? -3, -3, और उसमें से क्या करेंगे? घटाएंगे किसको? पहले वाले को, यानी कि 3 को घटाएंगे, प्लस 6। अब 6 कौन सा है? x3 है। x3 के बाद क्या आएगा? y1, y1 होगा तो ये कहाँ आएगा? 3, 3 के 3 माइनस के, ये उससे अगले वाला ले लेना है, 3 माइनस के। तो ये कितना आया? 1/2 है। किसके बराबर? ये 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर है पूरा, और ये 1/2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आना चाहिए। 1/2 0 के बराबर नहीं होता, तो ये पूरी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, है ना? तो जब हम इसको सॉल्व करके 0 के बराबर रखेंगे तो k की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? 2, ये क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना है? +3, 2k प्लस 6, 3 और 3 6, -6 आएगा इसकी जगह पे, 4 6 24 तो -24, प्लस 36 18, -6k इज इक्वल्स टू 0। अब -6k, अब -6k और 2k कितना हो गया? -4k। ठीक है, 6 में से 6 और 24 कितना हो गया? -18, -18 और ये +18 कितना हो गया? 0। तो k की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ से? -4k इज इक्वल्स टू कितना है? 0। तो k की वैल्यू, दोनों की मल्टीप्लिकेशन 0, या तो -4 0 का, -4 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो k की वैल्यू क्या होगी? 0। तो k की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? k की वैल्यू भी 0 ही होगी। 1 2 3 4 कुछ और भी आ सकती थी। तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ने थे, हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ लिया एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से हम निकालेंगे वो पढ़ लिया। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काफ़ी कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ।
ये आपके आरआरबी एनटीपीसी सीजीएल सीपीयू एसएससी के जितने भी एग्जाम्स में सब में बहुत काम आएगा।